सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे सारेगामा इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 517.40 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज बोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहां पर ऊपर में एक रुकावट रेंज है 565 रुपए के पास में। 565 रुपए पर एक रुकावट रेंज है। काफी समय से देखें तो स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहेगा और स्टॉक एक रेंज बोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब स्टॉक ने 565 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो वहां पर तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है और स्टॉक ऊपर में हाई भी बनाता है 680 रुपए का। पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक एक तरफा गिरावट दिखाता है। नीचे स्टॉक का एक बॉटम बनता है 469 रुपए, जो कि पहले भी इस पॉइंट पर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। सेम पैटर्न यहां पर भी देखने को मिला और स्टॉक फिर से यहां पर एक बाउंस बैक दिखाता है, यानी एक रिकवरी दिखाता है। ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न आप यहां पर भी देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहां पर हाई बनाया 545 रुपए का। ऊपरी लेवल पर फिर से एक गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर आप एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से, तो नीचे में 500 रुपए के पास का स्टॉप लॉस रखें, जो कि इस पॉइंट पर बन रहेगा। ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म के नजरिया से 565 रुपए, अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ऊपर के टारगेट 680 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। आप इस स्टॉक को जितना लॉन्ग टर्म के नजरिया से होल्ड करेंगे, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा।